नमस्कार टेक्निकल दोस्तों दोस्तों कुछ कुछ लोगों ने कमेंट किया था कमेंट बॉक्स में कि सर कट ऑफ पे और स्टाइपेंड पे और एग्जाम पैटर्न पे थोड़ा सा एक वीडियो प्रोवाइड कीजिए। तो मैं सोचा क्यों नहीं एक नॉलेजेबल वीडियो आपके सामने शेयर किया जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं बता दूं कि ऑलरेडी प्रेजेंट टाइम में मैं इंडियन ऑयल में ही हूँ। देखिए दोस्तों ये हमारा आईडी कार्ड है और इसलिए आपको दिखाया जा रहा है कि ताकि आपको वो फैक्ट हो और ट्रूथली बिलीव हो दोस्तों। अदरवाइज बिलीव आप लोगों को थोड़ा सा कम होता है। तो आज मैं कुछ डाटा आपके सामने बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले मैं बताऊंगा हम सिलेबस, उसके बाद से स्टाइपेंड बोले तो या सैलरी होता है दोस्तों, स्टाइपेंड, उसके बाद से मेडिकल फैसिलिटी और कट ऑफ के बारे में बताया जाएगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगा। मैं 5 क्वेश्चन आप लोग से सामने रखेंगे जो ऑलरेडी आया हुआ था, मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम दिया था तो अपने डायरी में नोट्स वगैरह करके रखे थे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि दोस्तों द मटेरियल यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए है बाइंडर, बी स्लैग, सी डी एक्साइडर और सी और डी फ्लक्स है। फ्लक्स है तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि नर्लिंग इज ऑपरेशन ऑफ, पहला ऑप्शन कटिंग स्मूथ कॉलर, बी ऑप्शन अंडर कटिंग, सी रफिंग द सरफेस फॉर हैंड ग्रिप, डी एनलार्जिंग होल साइज। और ये आपका तीसरा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। तीसरा क्वेश्चन है एसिटिलीन सिलेंडर आज कलर्ड विद, ए ऑप्शन है ब्लैक, बी ऑप्शन वाइट, सी ऑप्शन मैरून और डी ऑप्शन ग्रीन। ये क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, मैंने अपना नोट करके रखा था इस क्वेश्चन को। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आर्क वेल्डिंग इज, इन आर्क वेल्डिंग आर्क इज क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्क बाई, ऑप्शन ए फ्लो ऑफ करेंट, बी ऑप्शन वोल्टेज, सी ऑप्शन मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक और डी ऑप्शन कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों, आप लोग एग्ज़ाम देने वाला है ये एकदम 100% ये एग्ज़ाम आया दोस्तों, मैंने नोट करके रखा था। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मशीन टू चैटर इज ड्यू टू, फर्स्ट ऑप्शन ए है फ्री वाइब्रेशन, बी ऑप्शन रैंडम वाइब्रेशन, सी ऑप्शन फोर्स्ड वाइब्रेशन और डी ऑप्शन सेल्फ एक्साइटेड वाइब्रेशन। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन था दोस्तों। तो मैं सोचा क्यों नहीं आपके बारे में थोड़ा सा ये आपको शेयर किया जाए क्वेश्चन, ताकि ये ऑलरेडी आया है। और सिलेबस के बारे में बताएं दोस्तों, सबसे पहले है कि सिलेबस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था प्रोडक्शन से, जो 20 से 25 क्वेश्चन आया था, और आरएसी से 7 से 8 क्वेश्चन आया था, और बेसिक आ गया जैसे बेसिक क्वेश्चन आता है जैसे दोस्तों, जैसे इस प्रकार का जो क्वेश्चन इसी टाइप का इसी पैटर्न का एग्जाम आता है आरएसी से। और ये प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था, उसके बाद से किया हाइड्रोलिक से था और सोम से और एचएमटी और मटेरियल साइंस, इन सब में से कम 10-15 क्वेश्चन पुट किया गया था दोस्तों। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो सिलेबस में आपको सब्जेक्ट आपको शेयर कर, इसको थोड़ा फोकस करके आप जाइएगा। तो आइए अब देखते हैं दूसरा स्टाइपेंड के बारे में क्लियर करते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों ये इंडियन ऑयल का 3 डिवीज़न है, 3 डिवीज़न अलग डिवीज़न अपना और सैलरी और स्टाइपेंड प्रोवाइडेड कराती है, जिसमें रिफाइनरी जो देती है वो 14,000 समथिंग देती है, और सबसे अच्छा स्टाइपेंड देती है तो है मार्केटिंग डिवीज़न जो नियर अबाउट 17,000 तक दे देती है दोस्तों। और पाइपलाइन की बात बताएं तो दोस्तों पाइपलाइन 15,725 रुपया था दोस्तों, जो हमारा दोस्त है कि ऑलरेडी पाइपलाइन में है, उन्होंने शेयर किया था और खुद ही हम हैं तो इसके बारे में आपको जानकारी दी है दोस्तों। तो इसके बाद से आइए देखते हैं मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी में आपको बता दें कि आप 12 मंथ रहेंगे ट्रेनिंग पीरियड में, 12 मंथ में आपको मेडिकल फैसिलिटी फ्री या फास्ट रहता है दोस्तों, आपकी मेडिकल फैसिलिटी के एक भी कास्ट नहीं लिया चार्ज नहीं लिया जाता है। और इसमें यह होता है कि दोस्तों कि आप 12 मंथ तक चाहे जितना आप अगर मेडिसिन ले सकते हैं वो भी फ्री ऑफ कास्ट में रहेगा दोस्तों, किसी भी डिवीज़न में, और पाइपलाइन हो या मार्केटिंग या रिफाइनरी डिवीज़न, तो आप 12 मंथ आप फ्री ऑफ कास्ट में अपना मेडिकल करा सकते हैं और मेडिसिन ले सकते हैं दोस्तों। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों कि कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ के बारे में बताते हैं दोस्तों कि देखिए सबसे पहले हम बता दें कि कट ऑफ तो अभी 2 साल पहले
नहीं दिखाया जाता था, नंबर दिखाया जाता, लेकिन पिछले साल से कट ऑफ और नंबर दिखाया जा रहा है। फिलहाल में नंबर दिखाया जा रहा है। हमारा दोस्त 77 एक हमारा दोस्त था 77 पाया था पाइपलाइन में, और 77 पाया था उसमें से वो सेकंड लिस्ट में उसका सिलेक्शन हुआ था, सेकंड लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड का उसके पास मैसेज आया था। तो इस प्रकार से मैंने अपना गेस किया है, या मतलब अपने दोस्तों का नंबर देखते हुए आपको बताया दोस्तों कि ओबीसी का लड़का था जो 77 का सेकंड लिस्ट में उसका और शॉर्ट लिस्टेड मैसेज आया था, जिससे मतलब कि हाँ आप लोग सेलेक्टेड हैं। तो आज बता दें दोस्तों कि एससी के लिए जो भी कट ऑफ रहेगा दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अगर पाइपलाइन में एससी के लिए है 65 से 70 और एससी के लिए है 70 से 75 और ओबीसी के लिए 75 से 84 अगर आप मार्क गेन कर ले जा रहे हैं तो आपका पाइपलाइन में 100% सिलेक्शन हो जाएगा और आप अप्रेंटिस के एलिजिबल हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे। तो और जनरल का जानते हैं दोस्तों सबसे हाई रहता है थोड़ा 85 से 90, ये पूरा मेरा अनुभव बोल रहा है दोस्तों, मैंने बोल रहा हूँ। ये मेरा दोस्त खुद 77 पर सेकेंड लिस्ट में और उसका मतलब शॉर्ट लिस्टेड के मैसेज आया था पाइपलाइन के लिए, तो ये मेरा अनुभव बता रहा है दोस्तों। तो इसमें जो भी आपका कोई भी अगर क्यूरी हो इससे रिलेटेड या इससे भी और जानकारियाँ लेना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए। और एक बात दोस्तों की जो आंसर क्वेश्चन आप लोगों को शेयर किया गया इसको आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, आप लोगों को रिप्लाई भी दिया जाएगा और लाइक उसका रिस्पॉन्स भी आपको दिया जाएगा कि देखते हैं आप आपका प्रिपरेशन किस लेवल पर है किस पर नहीं। और ये तो इस प्रकार से जो भी नॉलेजेबल था दोस्तों तो आपके सामने रख गया। तो चलिए दोस्तों, और भी कोई क्यूरी होगा तो आप